Vitória!
गुरु वैष्णव की जय से जो कुछ भी कहें आप सभी से विनम्र निवेदन है।
कृपा करके इन बातों को ध्यान से सुनिए। एक उपाख्यान आचार्य लोग सुनाते हैं कि संसार के जीव की दशा क्या है। संसार में पड़े हुए हैं जिसमें कि चारों तरफ से विपत्तियां ही विपत्तियां हैं। पदम पदम यत विपदाम है तेषां, पग पग पर विपत्ति है जिसको पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम। ये संसार दुखों का घर है, अशाश्वत है। तो यहाँ कष्ट बहुत अधिक है और प्रत्येक जीव यहाँ कष्ट ही पाता है अधिक मात्रा में। तो यहाँ के कष्टों की एक घटना से तुलना की गई है कि एक व्यक्ति एक वृक्ष की डाल को पकड़ करके लटका हुआ है और उस डाल के नीचे कुआ है जिसमें बड़े बड़े भयानक सर्प हैं और उस कुएं के किनारे एक बाघ है जो उस वृक्ष व्यक्ति को खाने के लिए चारों तरफ से घूम रहा है कि ये व्यक्ति कैसे भी मेरा शिकार हो जाए। नीचे उसके सर्प हैं, वो चाह रहे हैं कि ये कब नीचे गिरे। उस वृक्ष की डाल को दो चूहे भी कुतर रहे हैं जिससे कि वो डाल जल्दी से वैसे भी गिरने वाली है। एक मधुमक्खी का छत्ता है जिस पर बहुत सारी मधुमक्खियां भिनभिना रही हैं और वो भी उसी डाल पर व्यक्ति लटका हुआ है तो बार 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 उसके मुंह। तो देखा जाए तो नीचे से भी काल, दोनों साइड से जो शेर है वो भी चक्कर लगा रहा है और चूहे भी कुतर रहे हैं उसको, एक काला चूहा एक सफेद चूहा और ऊपर से मधुमक्खी की मधुमक्खियां आ करके उसको काट जा रही जिससे वो सूज गया है, दुखी है। साथ में उस मधुमक्खी के छत्ते से एक एक बूंद थोड़ी सी दूर से शहद गिर रहा है। तो उस व्यक्ति को जो शहद दिखाई दे रहा है वो फिर भी शहद की ओर ऐसे जीव निकाल करके उसका स्वाद चखने के लिए प्रयत्न कर रहा है कि कैसे भी करके मेरे को। और जब थोड़ा और झुकता है तो डाली बार बार हिल जाती है, तो डाली हिल जाने के कारण और मधुमक्खियां उड़ने लगती हैं तो और उसको काटती हैं, लेकिन फिर भी वो थोड़ा सा दूर करके कैसे वो शहर को चखना चाहता है। ऐसी घटना उस व्यक्ति की नहीं है, ऐसी घटना हम सबके साथ ही है। उन सब में, हम सब में मैं खुद भी आ जाता हूं जिसमें कि हम दुख बहुत ज्यादा संसार में पाते हैं लेकिन थोड़ा सा जो सुख है थोड़ी देर के लिए उसके पीछे तो हम कैसे भी करके जीव को और शरीर को झुकाई देते हैं। इसको संसार का भोग आनंद कहते हैं। अब इसका प्रत्यक्ष उदाहरण के रूप में हम लोग देखें, बहुत सारे लोग तंबाकू खाते हो जाते हैं, गले आदि में कैंसर आदि हो जाता है, फिर भी वो तंबाकू नहीं छोड़ पाते। बहुत सारे लोगों के लंग्स पूरी तरह से खराब हो जाते हैं फिर भी वो बीड़ी सिगरेट नहीं छोड़ पाते, वो शराब नहीं छोड़ पाते। बहुत सारे लोगों को डायबिटीज हो जाती है जैसे कि मेरे को है लेकिन मैं मीठा नहीं छोड़ पाता। आज ही जो है मैंने थोड़ा सा मीठा खा लिया तो सारे भक्त लोग मेरे को काफी पीछे पड़ गए कि आपने मीठा क्यों खाया। आज कोई भक्त लोग मेरे साथ दोपहर में था नहीं, मैंने सोचा अकेले का फायदा उठाया जाए और रसोई में खीर मोहन रखा हुआ था ऐसा सोच करके मैंने एक ही खाया
बड़ा मीठा लगा, फिर एक और खा लिया बड़ा अच्छा लगा, लेकिन फिर शरीर में कष्ट भी होते हैं, ज्यादा समय कष्ट झेलते हैं हम सभी, लेकिन फिर भी वो स्वाद जो क्षणिक है वो हम सबको जो शहद की बूंद गिर रही होती है उसको लेने के लिए हम लोग लालायित हो ही जाते हैं। इसको भोगानंद कहते हैं। इस भोगानंद को शास्त्र ने तुलना किया कि ये आनंद इतना तुच्छ है कि एक बूंद का लाखवां या करोड़वां हिस्सा कह सकते हो। जैसा कि हमने रामायण से बताया था, शीकर ते त्रिलोक की पिपासी सुपासी, पूरे पूरी त्रिलोकी को भगवान ने अपने आनंद में, जो आनंद सिंधु सुख राशि है, राम आनंद सिंधु सुख राशि बोले, जो सिंधु सागर है उस हिस्सा एक छींट के रूप में इस संसार में दिया, और उस छींट में सब जीव अनंत जीव अपना गुजारा कर रहे हैं, और हम सभी उस छींट के आनंद में डूबने के लिए तैयार करके। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने जो शिक्षा दिया कि भैया भव महादावाग्नि के लिए आप इस हरिनाम का आश्रय लो, तो हम लोग कई बार बेपरवाह हो जाते हैं कि बोले हमें तो ये जो आनंद मिल रहा है उसी में हम भुला दे रहे कष्टों को। आनंद नहीं, आनंद की आशा में ही हमारे कष्ट भुला देते हैं हम, कष्टों को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए यत्नशील कभी नहीं देखे। तो चेतो दर्पण मार्जन के लिए हम में से कौन यत्न करेगा इस हरिनाम को, कौन भव महादावाग्नि के लिए हम लोग भुजाने के लिए यत्न करेंगे, जब कष्ट रात दिन हम सभी भोग रहे हैं, फिर भी सामने थोड़ी धन के रूप में, मकान के रूप में, लड्डू पेड़ा के रूप में, खीर मोहन के रूप में, हम सब कष्टों को भूल जाते हैं उसी में बस। बहुत सारे लोग तो हमें कुछ नहीं मिलता, खाली नींद के रूप में भी हम नींद का ही सुख इतना अच्छा लगता है कि अन्य विषयों के सुख में तो जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, उसी सुख में हम कष्टों को भुला देते हैं। इसको कहते हैं किस किस को याद करें, किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज है मुंह ढक के सोइए। हम तो आरामी प्रिय इतने हैं, मैं विशेष रूप से, कि जब कुछ नहीं इधर उधर से कुछ मिलता बोले आराम से मुंह ढक के सोइए। जब हमारी वृत्ति ऐसी है संसार में, तो हम कल्याण के कुमुदनियों को खिलाने के लिए कि हमारे अंदर, हमारे जीवन में कल्याण के पुष्प खिले, हमारे जीवन में कल्याणकारी बातें आए, हमारे जीवन में दया, विनम्रता, सहिष्णुता, समता, ये सब चीजें आए, ये गुण आए, इसके लिए हम क्यों यत्न करने बैठेंगे, क्यों हम पराविद्या के प्रति जागृत होंगे, क्यों हमें पराविद्या की जागृति करने की इच्छा होगी। हम तो पूरी तरह से रमन करते हैं संसार में, दुखों को झेल करके, दुखों को एडजस्ट करके हम चल पड़ते हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात है आनंद जरूर हमको खींचता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा अष्टकम के पहले श्लोक में क्या शिक्षा दे रहे हैं, ना केवल ये चार चीजें तुम्हें मिलेंगी, तुम्हें आनंद भी मिलेगा। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदाम अम्बुदिवर्धनम। आपको आनंद मिलेगा, लेकिन एक आनंद तो जिसको भोग आनंद कहते हैं, जो इस संसार का है, जो मैंने बताया इसकी मात्रा कितनी है, एक छींट की बराबर, एक बूंद का करोड़वां हिस्सा हम कह सकते हैं, उतना सा आनंद, अर्थात एक ड्रॉप अंग्रेजी में भी नहीं, पार्ट ऑफ ड्रॉप कह सकते हैं, बहुत ही छोटा सा पार्ट, ये संसार का भोग आनंद है। इससे श्रेष्ठ एक और आनंद है जिसको ब्रह्मानंद कहते हैं, जिसको कि ऋषभ देव भगवान अपने 100 पुत्रों को शिक्षा देते समय बता रहे हैं, भैया तुम इस भोग आनंद को छोड़ो और ब्रह्मानंद को पाओ। नायम देह देह भाजान लोके कष्टान कामान अरहतां विभुजां ये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम
शुद्धये समात ब्रह्म। भोगानंद के पीछे हम इस मानव शरीर को लेकर के जा रहे हैं, अर्थात जिस हलवे के आनंद को, हलवा जीव के लिए भोग है, जिस हलवे के आनंद को ये जीव चाहती है, जिसके पीछे पीछे हम भागते हैं, उसी हलवे से भी ज्यादा आनंद, अर्थात हमसे भी ज्यादा भोग का आनंद एक सुअर को ताजा मल खाने में मिलता है। तो ये भोगानंद तो सुअर और कुत्तों को भी उपलब्ध है। तो बोले तुम्हें इस भोगानंद के पीछे नहीं जाना चाहिए, तो फिर किधर जाना चाहिए? तपो दिव्यम पुत्र काये न सत्वम, मेरे प्यारे पुत्रों, ये तपस्या करके अपने चित्त को शुद्ध करते हुए ब्रह्म सौख्यम तु अनंतम, ब्रह्म सुख पाने के लिए मिला है जो कि अनंत है। तो ब्रह्म सुख दो प्रकार का होता है, एक ब्रह्म सुख जो निर्विशेष ब्रह्म है, जिसमें आदमी जाकर के विलीन होना, इसको प्रहलाद महाराज कहते हैं ये जो ब्रह्मानंद है ये इतना बड़ा है कि जैसे कि गाय का जो बछड़ा होता है उसके पैर के द्वारा, उसके खुर के द्वारा जो जमीन में खड्डा होता है उसमें जितना पानी समा जाए, बोले इतनी मात्रा का ब्रह्म सुख होता है, निर्विशेष ब्रह्मवादियों का सुख होता है जो निराकार की उपासना करते हैं। तो संसार का भोगानंद कितना मात्रा का सुख, एक बूंद का करोड़वां हिस्सा समझने के लिए, इतना छोटा सा। और ब्रह्म सुख कितना, गाय के बछड़े के, गाय के नहीं, गाय का खुर तो बड़ा होगा, गाय के बछड़े का छोटा सा खुर और उस खुर से बनी हुई जो भूमि में खड्डा हुआ, उतना सा मात्रा का आनंद, इतना आनंद तुम्हें ब्रह्म सुख में मिलेगा। लेकिन ऋषभदेव कह रहे हैं ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम, तुमको भगवान का साकार उपासना का सुख, भक्ति का सुख ऐसा मिलेगा जो कि एक समुद्र की भांति होगा। आनंद अर्थात आनंद का समुद्र मिलेगा, और वो आनंद का समुद्र कैसा होगा, इस संसार में जो समुद्र है वो भी अथाह समुद्र है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उस समुद्र बढ़ता रहे निरंतर, लेकिन ये समुद्र जो आनंद का है, जिसका चैतन्य महाप्रभु वर्णन कर रहे हैं, बोले आनंदाम अंगुदी वर्धनम, एक तो विशाल जल राशि, विशाल राशि के संग आपको आनंद मिलेगा, जितना बड़ा समुद्र ऊपर से वो समुद्र बढ़ता हुआ समुद्र, ये भगवान की भक्ति का सुख है, भक्ति इतनी बड़ी चीज है। आनंदाम अंबुदी वर्धनम, एक और भगवान बता रहे महिमा इस आनंद की, इस संसार का जो आनंद है ये संसार का आनंद कंटिन्यूस नहीं रहता, इस संसार का जो आनंद है ये काफी गैप गैप के साथ मिलता है, ऐसा नहीं कि बूंद कंटिन्यूस रूप से धारा के रूप में टपक रही हो, वहां से एक बूंद अभी गिर गई और दूसरी बूंद के लिए देखते रहो ऊपर काफी देर तक, हाँ अभी बन रही है धीरे धीरे धीरे, हाँ बनी, अभी थोड़ी मोटी हुई, हाँ अब थोड़ी सी टपकी, और वो भी टपक करके पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी, होठ पे आएगी या थोड़ी पे आएगी या कपड़ों पे आएगी, किधर आएगी ये भी पता नहीं होता, कई बार ऐसे निकल जाती है, फिर हम सोचते रहे यार मौका चूक गया, ऐसा होता तो ऐसा बीच में समय से पहुंच जाते तो बड़ा आनंद आता। तो संसार का जो आनंद है ये कंटिन्यूस नहीं होता, अब जैसे आप रसगुल्ला खा रहे हो, चाह करके भी अगर मिले भी तो भी हम पा नहीं सकते संसार का आनंद ऐसा है, यहाँ पर तो रसगुल्ला खा रहे, एक खाया, दो खाया, तीन खाया, चार खाया, दस खाए, दस के बाद तो आपको विराम लेना ही पड़ेगा, चाहे रसगुल्ले सामने रखे हैं तो भी आपको विराम लेना पड़ेगा, शाम तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, सारे दस रसगुल्ले निकालने पड़ेंगे, फिर जगह बनेगी तब जा, और ये आनंद पीछे से दुख रूपा भी है, जिसको गीता में भगवान ने के मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख, और भगवान कहते हैं ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख योनये एवते, ये संसार के इंद्रियों के स्पर्श में आने वाले विषयों का जो सुख है ये पीछे से दुख को लेकर के आता है, ये दुख की योनी है, ये दुख का स्रोत है। यदि आपने 10 रसगुल्ले खा लिए तो पेट से हम पूरा दिन भर दुखी होंगे कि मैंने इतने सारे क्यों खा लिए, हम संसार का जो भोगानंद है कितने ड्रॉबैक्स रखता है, लेकिन ये भोगानंद के पीछे हम इतनी तेजी से इतनी तीव्रता से भागते हैं कि भोगानंद के रस से ही हम नहीं निकल पाते,
विचार करो उन भक्तों का जिनको भोगानंद नहीं ब्रह्मानंद मिला है, ब्रह्मानंद नहीं ब्रह्म आनंद वो वाला जिसमें भगवत आनंद मिला है, साक्षात श्री कृष्ण जो रस स्वरूप है, रसो वही सह, वो भगवान श्री कृष्ण का जिसको आनंद मिले तो वो कैसा होगा? बोले उसमें कंटिन्यूटी बनी रहती है। इसलिए कहा पूर्ण अमृत आस्वादनम प्रतिपदम, एक एक कदम पर आपको उसमें डिसकंटिन्यूटी नहीं है, उसमें कंटिन्यूस रूप से निरंतरता के साथ उस आनंद को भोग सकते हो और उसको आप भोगने के पश्चात पछताओगे भी नहीं, ऐसा विशेष आनंद है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु क्या उपदेश दे रहे हैं, भैया इस आनंद को लक्ष्य बनाओ। आनंदाम अम्बुदिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। इस श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय हो, जो इतना बड़ा विशाल समुद्र जो कि वृद्धि करता हुआ समुद्र हमें प्राप्त हो रहा है। तो पहली बात तो हमने ये समझनी है, चैतन्य महाप्रभु ने पहले श्लोक से हमें प्रदान किया। दूसरे श्लोक से महाप्रभु क्या समझ रहे हैं, समझा रहे हैं, बोले ये जो हरिनाम जो धन है, जो इन सभी आनंदों को देने वाला, समस्त दुखों को मिटाने वाला, ये हरिनाम कैसा है? नाम नाम कारी, कौन आनंद देता है? ये कृष्ण ही तो आनंद स्वरूप है, राम ही तो आनंद स्वरूप है, वही दे सकते हैं और तो कोई दे नहीं सकता। तो उनका जो नाम है जिसमें उन्होंने स्वयं अपनी सारी शक्तियां अर्पित कर दी, इस कारण से वो नाम भी हमें ये सब चीजें दे रहा है। इसलिए कलयुग में कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कलयुग में नाम रूप में श्री कृष्ण का अवतार है। तो महाप्रभु क्या कह रहे हैं, नाम नाम कारी बहुदा निज सर्वशक्ति, सारी नाम कारी जो भगवान है उन्होंने अपने समस्त नामों में इस शक्ति को अर्पित कर दिया। नाम नाम कारी बहुदा निज सर्वशक्ति तत्र अर्पिता नियमित स्मरणे न काल, जिसको के जपने के लिए आश्रय लेने के लिए न देश का नियम है, न काल का नियम है, न पात्र का नियम है, लेकिन मेरा दुर्दैव है। क्या कह रहे हैं, नाम नाम कारी बहुदा निज सर्वशक्ति तत्र अर्पिता नियमित स्मरणेन काला दुर्दैवमी दृश्यमिहाजनेन अनुराग। हाँ, बीच में कौन सी लाइन है, एतादृशी तव कृपा भगवन ममापि दुर्दैवमी दृश्यमिहाजनेन अनुराग। आपकी इतनी अद्भुत कृपा है, मेरे को अभागा सोच करके आपने इतनी कृपा किया, इस नाम को प्रकट किया, लेकिन मेरा ऐसा दुर्दैव है कि मैं इसको अनुराग के रूप में नहीं ग्रहण कर पा रहा हूँ, मैं इसे बोझ के रूप में ग्रहण करता हूँ, कई बार करता भी हूँ थोड़ी बहुत देर के लिए, या इसे बहुत बड़ी समस्या के रूप में ग्रहण करता हूँ। पहले से इतने सारे दुख हैं, ऊपर से माला जपने का कीर्तन करने का ये कष्ट और उठाओ, लेकिन ये कष्ट शुरुआत में हमें औषधि जैसे कष्ट देती है, लेकिन आगे चल करके का जो जॉन्डिस के रोगी को शुरुआत में कड़वा लगता है, आगे चलकर अवश्य मीठा लगता है, और विषयों का सुख शुरुआत में मीठा लगता है लेकिन लास्ट में बड़ा कड़वा होता है। तो इस बात को चैतन्य महाप्रभु ने समझाया दोनों श्लोकों के माध्यम से। अब हमारा उद्देश्य है कि हम इसको लक्ष्य बनाए, आनंद को तो हम वैसे ही लक्ष्य बना करके चल रहे हैं। अब जब आनंद को लक्ष्य बना करके चल रहे हैं तो इस लक्ष्य को पाने के लिए अब हमें कुछ करना होगा। किसी भी लक्ष्य को पहले निर्धारित करना होता है। अब हमारा जब पता चल गया कि इस नाम से हमें इतना बड़ा आनंद मिलने वाला है कि जो बूंद का भी करोड़वा हिस्सा ना हो करके, गाय के खुर के बराबर वाला हिस्सा भी ना हो करके, एक समुद्र के बराबर हिस्सा हमें मिल रहा है, वो भी वृद्धि करता हुआ समुद्र मिल रहा है, इतना बड़ा अगर हम लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं तो उस लक्ष्य के अनुसार हमारे लक्षण भी होने चाहिए। अर्थात इसका आश्रय, हरिनाम का आश्रय ही भक्ति है, और ऐसी भक्ति को किन लक्षणों के साथ स्वीकार किया जाए
उसको महाप्रभु अगले श्लोक में बता रहे हैं जिसकी हम ऑलरेडी चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि ये सब कुछ केवल भक्ति से ही संभव होगा। इसलिए भजन तो अनेकों प्रकार के हैं, लोग अनेकों पद्धतियों को भजन की अपनाते हैं। भजनेर मध्य श्रेष्ठ नवविधा भक्ति, भजनेर मध्य श्रेष्ठ नवविधा भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धरे महाशक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धरे महाशक्ति। ये कृष्ण प्रेम को देने वाली है जिससे पीछे पीछे कृष्ण स्वयं चले आते, महाशक्ति रखती है नवदा भक्ति। इस नवदा भक्ति में भी तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, उसमें सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। लेकिन कैसा, निरपराध लैले नाम पाए प्रेम धन, निरपराध लैले नाम पाए प्रेम धन। निरपराध रूप से लेने पर ही ये कृष्ण प्रेम वो आनंद देगा, कृष्णानंद हमें मिलेगा। अपराध वाला कीर्तन हमें कृष्णानंद नहीं देगा। निरपराध होकर के कैसे जपे, चैतन्य महाप्रभु स्वयं शिक्षा दे रहे। जे रूपे लैले नाम प्रेम पूजाय, जे रूपे लैले नाम प्रेम पूजाय, रूप राम राय तार लक्षण सुनो स्वरूप राम राय। चैतन्य महाप्रभु स्वरूप राम रामानंद राय को इसके लक्षण बता रहे, किस रूप से इस नाम को लेने से हमारे अंदर कृष्ण प्रेम उदय होगा। ऐसा बोलते ही चैतन्य महाप्रभु इस श्लोक को बोलते हैं जो चैतन्य शिक्षा अष्टकम का तीसरा श्लोक है। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुनाम अमानिना मानदे कीर्तनीयं सदा हरि। बोले वो लक्षण ये वाले हैं, ये चार लक्षण हैं जो आपसे निरपराध रूप से नाम का उच्चारण कराएंगे, और नाम उच्चारण जब निरपराध रूप से होगा तो हमें कृष्ण प्रेम मिलेगा, कृष्ण आनंद मिलेगा। आनंद रूपी अम्बुदी अर्थात समुद्र, बढ़ता हुआ समुद्र जैसा आनंद हमें प्राप्त होगा। तो क्यों ना इन लक्षणों को ध्यान में रखते हुए इस पद्धति को अपने जीवन में उतारे, क्योंकि लक्ष्य यदि कृष्णानंद है तो इसके लक्षण भी कुछ विशेष ही होंगे। और लक्षण क्या है, बोले मात्र ये चार लक्षण है। लक्षण में ये नहीं रखा गया कि आप गोरे होने चाहिए, आप पढ़े लिखे होने चाहिए, आप अमीर होने चाहिए, आपके अंदर अच्छा खा जो है स्वस्थ शरीर होना चाहिए, हट्टे कट्टे होने चाहिए, नौजवान होने चाहिए, नहीं, कोई कीमत नहीं, बाकी कोई पात्रता नहीं। लेकिन अगर हमें कृष्ण प्रेम चाहिए तो ये लक्षण हमें अपने अंदर लाने पड़ेंगे। कौन से चार लक्षण, तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुनाम अमानिना मानदेन कीर्तनीयं सदा हरि। एक भक्त को समझना होगा, एक हरिनाम जपने वाले को समझना होगा कि उसको तृण से भी अधिक अपने आप को नम्र विनम्र नीच मानना चाहिए, एक घास के तिनके से भी अपने आप को नीच मानना चाहिए। मेरी सत्ता बोले घास के तिनके के बराबर भी नहीं। क्यों? क्योंकि घास का तिनका जड़ है और जड़ का उसका सच्चा स्वाभिमान है, क्योंकि वो जड़ होते हुए उसका ये स्वाभिमान तो है, ये सच्चा अभिमान है। वास्तव में घास का तिनका तो है कम से कम, हम तो झूठे ही संसार की अन्य अनेकों उपाधियों को लेकर के बैठे रहते हैं जो कि हम नहीं है, क्योंकि हम ये शरीर ही नहीं है। हम शरीर के अतिरिक्त आत्मा है, आत्मा इस संसार की जड़ वस्तु नहीं है, आत्मा चेतन वस्तु है, इसलिए संसार में हम कुछ भी नहीं। हम अगर अपने आप को जो कुछ भी के साथ मैं के रूप में संबोधित करते हैं वो झूठा मैं है, और यहीं से माया की शुरुआत हो जाती है, जिसको रामायण में कहा
मैं और मोर तोड़ते माया, मैं और मोर तोड़ते माया, जीव पड़े जीवश कीने जीवन काया, जीवश कीने जीवन काया। समस्त जीव हमेश माया के बंधन में पड़े हुए, सिर्फ मैं और मेरा, जिसको गुरु महाराज वंदन करते हैं, मैं और मेरा तू और तेरा है माया का घेरा, बता भटक रहा है क्यों, भटक रहा है मैं और मेरा तू और तेरा है माया का घेरा, बता क्यों भटक रहा है, बता क्यों भटक ज्ञानी, दो दिन की जिंदगानी, मृता क्यों भटक रहा है, मृता क्यों भटक रहा है, भजल प्राणी रे अज्ञानी, दो दिन की जिंदगानी, मृता क्यों भटक रहा है, मृता क्यों भटक रहा है। योनिया अनेक भोगी प्रभु की कृपा से नरकन पाया है, योनिया अनेक भोगी प्रभु की कृपा से नरकन पाया है, संसार के हमारी तृण की सत्ता भी नहीं है, हम इतने तुच्छ हैं, अर्थात हम इस संसार के कोई भी उपाधि वाले व्यक्ति नहीं है, हम जीवात्मा हैं, शुद्ध जीवात्मा हैं, हम भगवान के अंश हैं, इसलिए भगवत सेवा के लिए बने हैं, भगवत सुख को पाने के लिए बने हैं, ऐसा सोच करके जो अपने आप को विनम्र समझता हुआ भगवान का भजन करता है, इस हरिनाम का आश्रय लेता है, ये निरपराध कीर्तन करने वाले का पहला लक्षण है। दूसरा लक्षण क्या है? बोले तरोरपि सहिष्णुना। दूसरा लक्षण है वो पेड़ के समान सहनशील होता है, अर्थात पेड़ कैसी दया करता है? बोले निर्मत्सर दया करता है। एक होती मत्सरता वाली दया, मेरे को इससे राग है, इससे द्वेष है, तो जिससे द्वेष है उसे ईर्ष्या भी कहते हैं, उसी को मत्सरता कहते हैं। तो मत्सरता वाले मेरे को जिससे ईर्ष्या है, मैं उसके ऊपर कोई दया नहीं करूंगा, उसको कुछ भी नहीं दूंगा दया करके, और जिससे मेरी ईर्ष्या नहीं, जिससे मेरा प्रेम है, उसको मैं दया करूंगा। तो राग और द्वेष कहां से आए? बोले द्वेष राग के पीछे पीछे आया। जैसे हम कहते हैं कामेश क्रोधे समुद्भव, काम है कामात क्रोधो अभिजायते, गीता में भगवान दूसरे अध्याय में कहते काम है तो क्रोध आएगा, काम की पूर्ति नहीं होगी तो पीछे से क्रोध आ जाए। ऐसी द्वेषात रागात द्वेषो समुद्भव,
राग से द्वेष आता है, कहीं ना कहीं हमारी अटैचमेंट है, आसक्ति है, आसक्ति में जो बाधा बनेगा उससे हम घृणा करेंगे। तो आसक्ति होगी तो घृणा होगी, आसक्ति नहीं होगी तो किसी से घृणा भी नहीं होगी। तो ये आसक्ति, राग, द्वेष, काम, क्रोध, ये जितने भी कपट आदि, अदम्भ आदि, ये सारे दोष कहाँ से आते हैं? पहले लक्षण से आते हैं कि हम अहंकार से ग्रसित हैं। जैसे ही हम तृणादपि सुनिचेन अपने आप को बनाएंगे, लेकिन हम विनम्रता का परिचय तो देते हैं, कई बार असलियत में वो नहीं होता, ऊपर ऊपर से होता है। जैसे किसी व्यक्ति को हम देखते हैं ये बड़ा महान भक्त है, हम उसको जाकर के दंडवत प्रणाम करते हैं, ये दिखाते हुए हम तृण से भी अधिक विनम्र हैं, दंडवत आपको कर रहे हैं। लेकिन ध्यान दें, अक्सर मेरे साथ तो ऐसा होता है कि जब मैं किसी को दंडवत प्रणाम करता हूँ तो मैं देखता हूँ ये मेरी ओर देख रहे हैं कि नहीं देख रहे। अगर वो मेरी ओर नहीं देख रहे होते तो मैं दंडवत नहीं करता, और जैसे ही वो देख रहे होते तो मैं दंडवत कर देता हूँ। अर्थात मैं किस लिए दंडवत कर रहा हूं? उनको देख करके उनके प्रति सम्मान की भावना को ध्यान में रखते हुए मैं दंडवत नहीं कर रहा हूं, मैं तो दंडवत उनको दिखाने के लिए कर रहा हूं। वो देखेंगे तो मैं दंडवत करूंगा, नहीं देखेंगे कोई बात नहीं, निकल गए, वो मेरे को देख ही नहीं रहते तो मैं उनको प्रणाम करूंगा। जबकि प्रणाम प्रत्येक व्यक्ति को किया जाता है कि उसके हृदय में स्वयं श्री कृष्ण विराजमान है, इसलिए भगवान का विराजमान होने के कारण उसको प्रणाम किया। लेकिन हमारा जो प्रणाम भी है, विनम्रता भी है, वो भी दिखावटी है, क्योंकि हम इस अहंकार का नाश नहीं कर पाते। तृणादपि सुनिचेन का ही हमारे अंदर लक्षण नहीं है, तो दूसरा लक्षण तो वही व्यक्ति प्रदर्शित करता है जिसके अंदर पहला हो। दूसरा क्या है? बोले पेड़ के तरोर अपि, तरोर अपि, तरो माने वृक्ष, तरोर अपि माने वृक्ष से भी ज्यादा। भगवान कह रहे हैं एक भक्त को वृक्ष से भी ज्यादा सहनशील होना चाहिए। सहनशील इन द सेंस, बोले जनरली अगर आप भक्ति करने के लिए जाओगे तो बहुत सारे लोग विरोध करेंगे। पहले तो आपका मन ही विरोधी होगा, आपका अहंकारी विरोधी होगा, मेरे को क्या जरूरत है भजन करने की, भगवान की शरण में जाने की, मेरे पास सुंदरता है, मेरे पास जवानी है, मेरे पास धन है, मेरे पास सब चीज की व्यवस्था है, मकान है, दुकान है, मेरे को क्या जरूरत है भजन करने की। ये मन ही हमारा विरोधी इतना पक्का होता है। अगर मन, बुद्धि, अगर अहंकार वगैरह ये सब चीजें अगर भक्तों के द्वारा समझा दिए भी जाए और हम अपने मन को भक्ति में लगा भी दें तो दूसरे लोग विरोधी हमारे बन जाते हैं, परिवार के सदस्य विरोधी बन जाते हैं, पति पत्नी भाई बंधु, यहाँ तक कि गली का कुत्ता भी हमारा विरोध करता है। इतना सुबह सुबह जल्दी उठ के मंगल आरती करने तो कहाँ जा रहा भाई, कोई भौंकना चालू कर। तो संसार में प्रत्येक जीव हमारा विरोधी होगा। प्रहलाद महाराज का क्या दोष था? छोटा सा बालक ही थे, 5 साल के बालक थे, उनके ऊपर इतने अत्याचार किए गए, ऐसी ऐसी मृत्यु दंड देने की तरकीबें निकाली गई जो आज तक इतिहास बन गई हमेशा के लिए, कोई नहीं जानता था इन तरकीबों। एक बालक को भयानक मृत्यु देने के लिए सारा राज्य, सारा प्रशासन, सब राजा, पूरा प्रजा टूट पड़ी, घर के लोग, बुआ वगैरह सब टूट पड़े। बोले मेरे को इसकी गोद में, इसको मेरी गोद में बिठा दो और मैं इसको जला दूं। कितना बड़ा विरोधी संसार बन गया प्रहलाद महाराज का। प्रहलाद महाराज ने किसी की भैंस थोड़ी खोली थी, किसी का चोरी चपाटी थोड़ी किया था, कोई दोष नहीं उनका, सिर्फ एक ही दोष था संसार की दृष्टि से देखा जाए तो भक्त बन गए बस। तो जब हम भक्त बनते हैं तो बहुत सारे लोग हमारे द्वेषी बन जाते हैं। तो बोले इन सब चीजों को सहने के लिए हमारे पास वृक्ष के समान सहनशीलता होनी चाहिए। बोले वृक्ष के समान नहीं, वृक्ष से भी ज्यादा सहनशीलता होनी चाहिए। तो कोई सोचे ठीक है भाई मैं अपनी भक्ति के लिए तो सहनशील बन जाऊंगा, अपने आप में भक्ति करूंगा, अपनी भक्ति में जो भी बाधाएं आएंगी उन सबको मैं सहन कर लूंगा। लेकिन बोले तब और बाधाएं भी आएंगी क्या? अगर हम अपनी अपनी भक्ति कर रहे हैं, हमारा किसी से कोई नाता नहीं, तो जब हमें कोई सतानी चाहिए तो फिर भी क्यों कहा गया वृक्ष से भी ज्यादा सहनशील? बोले नहीं, आपको ना केवल अपनी भक्ति करनी होगी, आपको साथ में प्रचार भी करना होगा। बोले प्रचार करेंगे तब क्या होगा? बोले प्रचार जिसको करोगे वो तो भक्त नहीं है, वो आपको अवश्य बाधा देगा, और जब वो बाधा देगा
तब आपको पेड़ से भी ज्यादा सहनशील होकर के उसको इस कृष्ण भक्ति की शिक्षा को देना होगा। प्रचार क्यों करेंगे हम? प्रचार हम स्वाभाविक रूप से करेंगे, क्योंकि जब हमें ये पता चलेगा कि भाई मैं तो इस संसार में कुछ हूं ही नहीं, मैं तो श्री कृष्ण का नित्य स्वरूप को ध्यान में रखते हुए उनका नित्य दास हूं, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, मैं कृष्ण का नित्य दास हूं और मुझे उसी में आनंद मिलेगा, मुझे संसार के भोगों में आनंद नहीं मिलेगा, मैं संसार का कोई भोगता नहीं हूं, क्योंकि मैं नहीं हूं तो मैं भोगता भी नहीं हूं, मैं भोगता नहीं तो भोग भी मेरे लिए नहीं है, तो भोगों का सुख से हम उपराम हो जाएंगे, तृणादपि सुनिचेनाते, अर्थात तो क्या हम खाना नहीं खाएंगे, खाना खाएंगे स्वरूप लक्षण को ध्यान में रखते हुए, क्या खाएंगे फिर प्रसाद खाएंगे। इसलिए भक्त लोग जो कुछ भी ग्रहण करेंगे केवल और केवल प्रसाद ग्रहण करेंगे, प्रसाद में भोग बुद्धि नहीं होती, वो अलग बात है कि मेरी प्रसाद में स्वाद बुद्धि है, प्रसाद में दो चीज की बुद्धि हो सकती है, तो स्वाद बुद्धि एक प्रसाद बुद्धि, जब तक हमारी प्रसाद में स्वाद बुद्धि है तब तक प्रसाद माया को जीतने वाला कार्य के रूप में परिणाम नहीं दिखाएगा। जबकि उद्धव जी कहते हैं प्रभु आपकी माया को तो हम केवल और केवल आपके प्रसाद से ही जीत लेंगे, लेकिन जब तक मेरे अंदर तृणादपि सुनिचेन का लक्षण नहीं होगा, मैं अपने जीवन में स्वरूप लक्षण को नहीं प्रकाशित कर पाऊंगा, मैं सोच ही नहीं पाऊंगा और मैं भोग बुद्धि से ही खाऊंगा, प्रसाद में भी भोग बुद्धि, प्रसाद में भी स्वाद बुद्धि आ जाएगी, अर्थात प्रसाद की थाली निकल के आएगी और उस थाली में अगर रोटियां ठंडी होंगी तो हम उस थाली को नहीं लेंगे, हम दूसरी थाली लेंगे जो गर्म गर्म रोटियों वाली होगी, क्योंकि हमें उसमें स्वाद बुद्धि है, प्रसाद बोले कोई और खा लेगा और किसी को कहने के लिए कह देंगे बोले ये भी प्रसाद ही है, तो उसमें भी थाली में से भी कोई मीठा आइटम होगा, कोई बढ़िया सब्जी होगी उसको ले लेंगे, लेकिन थोड़ी देर रखे रहने के कारण जो रोटियां सूख जाएंगी उनको नहीं लेंगे, अर्थात हमारी बुद्धि क्या कह रही है उसमें, स्वाद बुद्धि प्रसाद बुद्धि, जब तक प्रसाद बुद्धि नहीं आएगी तब तक हमें सोचना चाहिए कि हम माया को इस प्रसाद को, जबकि भगवान ने कितना सुलभ बना दिया, केवल और केवल कुछ भी ग्रहण करें प्रसाद के रूप में ग्रहण करें, ये भगवान का प्रसाद है, ये भक्तों का प्रसाद है, ये भक्तों का आशीर्वाद है, फिर उसमें जैसा मिल जाए जो मिल जाए जब मिल जाए उसको उसी रूप में हम भक्तों को ग्रहण करना चाहिए। अगर ऐसा ग्रहण कभी मैं कर पाया तो मैं निश्चित रूप से ऐसा भक्त बनूंगा जो कि निरपराधी रहूंगा, लेकिन मेरे से ऐसा नहीं हो पाता तो दूसरा लक्षण भी हमसे उदय होगा, इसमें क्या है तरूरपि सहिष्णुनाम, अर्थात मैं सहनशील कब बनूंगा जब मेरे को पता है यहाँ के दुखों से मेरे को लेना देना ही नहीं, क्योंकि यहाँ के दुख तो इस शरीर के स्तर के दुख है, आत्मा के स्तर के तो है नहीं, मेरा शुद्ध अहंकार तो आत्मा है, कृष्ण का दास है, इस संसार के सुखों से भी मुझे कोई लेना देना नहीं, इसलिए कोई मेरी थाली में से अगर कोई बढ़िया आइटम उठा करके भी ले जाए तो भी मुझे दुखी होने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि मेरे को लगेगा कि ये सुख मेरे लिए संसार का सुख वास्तविक सुख नहीं, तो संसार के सुख के छिन जाने पर अथवा संसार के दुख के आ जाने पर हम व्यथित नहीं होंगे और हम अपनी भक्ति को बनाए रखेंगे। बहुत सारे भक्त लोग ऐसे होते हैं जिनको जो कुछ मिल जाए उसी से संतुष्ट रहेंगे, यथा लाभ संतोष, जैसा लाभ वैसा जो कुछ भी प्राप्त हो गया उसी, हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों का ऐसा जीवन चरित्र रहा है, रूपा जी के पास धोती कुर्ते में ऐसे छेद हो जाते थे कि उसको सिलने के लिए भी व्यवस्था नहीं रहती थी, फिर वो प्रभुपाद प्रसन्न रहते थे और दुनिया की चिंता करते थे, अपने आप में सेल्फ सेटिस्फाइड है लेकिन दूसरों की चिंता क्यों कर रहे हैं, ये सोच के कर रहे हैं अरे राम राम ये देखो ये लोग अभी भी मेरे जो भाई बंधु हैं, मेरे जो सहपाठी हैं, सगे संबंधी हैं, ये लोग इस आत्मा के स्वरूप को भूल करके, आत्मा के वास्तविक अहम को भूल करके मिथ्या अहंकार के कारण मिथ्या सुखों में एकदम पागल हो रखे हैं, इन लोगों को नरक में जाना पड़ेगा, 84 लाख योनियों का कष्ट भोगना पड़ेगा, इस दुख से दुखी होकर के ये भी भक्त बन गए। रूपा जी के अंदर ऐसा ही तो दर्द था, जिसको कि नरसिंह मेहता ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा है,
वैष्णव जन तो तैने कहिए जे, वैष्णव जन तो तैने कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे, पीड़ पराई जाने रे, वैष्णव जन तो तैने कहिए जे, वैष्णव जन तो तैने कहिए। जो दूसरों के दुख को देख करके दुखी हो जाते हैं वो वैष्णव कहलाते हैं। अब कोई वैष्णव बन गया जिसने लक्ष्य बना दिया, पहला लक्षण ले आया तो दूसरा लक्षण लाने के लिए भी उसको कुछ करना नहीं पड़ेगा, अपने आप आएगा। पर दुखे उपकार करे तुए, 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 मन अभिमान आने रे, मन अभिमान आने रे, वैष्णव जन तो तैने कहिए जे, वैष्णव जन तो तैने कहिए, पीड़ पराई जाने रे, पीड़ पराई जाने रे, वैष्णव जन तो तैने कहिए, वैष्णव जन तो तैने कहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, जी कैसे संत हैं, उनको यहाँ अपना भजन अच्छी तरह से कर रहे हैं, वृंदावन का वास मिला हुआ है, जो कुछ भी कष्ट भी मिल रहा है उनको बड़ी सहजता से वो सहन कर ले रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको विदेश अमेरिका जाने की इच्छा हो रही है। 70 साल की अवस्था में बिना पैसा देना सुमति मोरार जी के पास जाते हैं, उनसे कहते हैं आप मेरे को मालवाहक जहाज से ही भेज दो, 1 महीने की यात्रा है, कोई बात नहीं मैं कष्ट सहन कर लूंगा। तो उनके कौन से घर वाले वहां बैठे हुए थे जिनके लिए वो जा रहे थे, कौन सी उनकी याद आ रही थी जिनके लिए वो जा रहे थे, कौन सा वो धाम था जिसमें वो सोच रहे थे कि नहीं मेरा उद्धार कैसे होगा बिना वहां जाए, लेकिन उनके अंदर क्या थी, बोले ये सब संसार के जीव बेचारे तड़प रहे हैं, इनका क्या होगा। जैसे महाप्रभु पूछते हैं हरिदास इन मुसलमानों का क्या होगा, ये बेचारे हरिनाम नहीं लेते, तब हरिदास ठाकुर कह रहे हैं महाप्रभु आप चिंता ना करें, ये लोग भी जो चीज पाक नहीं होती पवित्र नहीं होती ये उसको हराम कहते हैं, उसमें भी जो हराम शब्द है उसमें भी राम का नाम उच्चारण कर लेते हैं, उसी से इनका धीरे धीरे उद्धार हो जाएगा। महाप्रभु ने तुरंत हरिदास ठाकुर को गले लगा लिया, महाप्रभु को हम सबकी चिंता है क्योंकि महावरदान था। उसी चिंता को प्रभुपाद जी ने धारण करते हुए संसार के जीवों के लिए इतना कष्ट उठा करके विदेश जब जाने के लिए उद्यत हुए, उसी समय मुरार जी सुमति मुरार जी कहती अरे आप इतने वृद्ध हैं वहां इतनी कड़ाके की ठंडी है आप मरने जा रहे हो, तो एक वृक्ष क्या सोचता है ऐसा कि मैं मर जाऊंगा अगर ये मेरे को काट के ले जाएगा, तो वृक्ष सूख जाता है पानी के अभाव में और सूख सूख करके मर जाता है, लेकिन कभी भी पानी नहीं मांगता। इसलिए प्रभुपाद जी ने
बोले कोई बात नहीं, अगर मैं मिशन में मर भी जाऊं तो भी कोई बात नहीं, लेकिन इन संसार के जीवों के लिए कुछ न कुछ उपचार करने का मुझे यत्न करना है, ये मेरे गुरु की आज्ञा है। गुरुदेव की आज्ञा भी हम लोग पालन करते हैं, लेकिन हम लोग उन्हीं आज्ञाओं को पालन करते हैं जो हमारे कंफर्टेबल जोन में होती है, कंफर्ट जोन में होती है, जो हमें ऐसा लगता है ये कष्ट देने वाली आज्ञा, हम उससे दूर भाग जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति तृणांत भी सुनिश्चित के स्तर पर पहुंच जाता है, वो स्वयं भी अनेक कष्टों को उठाने के लिए सक्षम हो जाता है, क्योंकि जड़ शरीर के लिए वो हमेशा ही विज्ञ रहता है, जानता है कि मैं ये शरीर नहीं है, इसको जितना उपयोग में लाया जाए उतना ही मुझे लाना चाहिए, जिससे कि मुझे कृष्ण प्रेम रूपी लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। इसलिए दूसरा लक्षण, तरोरपि सहिष्णुना, वृक्ष दो प्रकार से सहनशील होता है, वृक्ष जेन काटी लेन किछु ना बोला है, सुकाया मेले कारे पानी ना मांगा है, स्वयं उसके ऊपर कितने भी अत्याचार किए जाए, काटने पर फिर भी कुछ नहीं बोलता, सूख जाता है फिर भी पानी नहीं मांगता, लेकिन उल्टा दूसरों के लिए जे जे मांगे तारे दे आपन धन, जो जो कुछ मांगता है उसको अपना सर्वस्व दे देता है, धर्म दृष्टि सहे आनेर करे लक्षण, स्वयं धूप सहता है बरसात सहता है लेकिन फिर भी वृक्ष। इसको बड़े सुंदर शब्दों में बताया है, उचलने वाले को खुशबू ही देना, फूल से सीखो ये वीराने, चमन बन जाए खिलना इस तरह सीखो। एक फूल है, उसको अगर हमने तोड़ भी लिया तो फूल बेचारा गाली नहीं देता, और उसको हम कुचल देते हैं कई बार, उसको तोड़ने पर सूंघो तो खुशबू देता है वो, ये नहीं कि सूंघते ही बोलेगा मेरे अंदर कीड़े भरे पड़े अब तेरी नाक में वो कीड़े घुसा दूंगा मैं, तूने मेरे को तोड़ा क्यों, नहीं। आप उस फूल को अगर थोड़ी देर बाद सूंघते सूंघते कुचल भी दो तो वो और ज्यादा खुशबू देता है, ये नहीं अरे तूने तोड़ा मेरे को कुचल भी दिया। कुचलने वाले को खुशबू ही देना फूल से सीखो, और शमशान में भी अगर ये फूल खिल जाते हैं तो वहां भी चमन बन जाते हैं। ऐसे ही कैसे भी स्थान पर कैसे भी लोगों के बीच में कैसे भी हम रहें, हम ऐसे लक्षणों को अपने अंदर अवश्य लाएं, अथवा ऐसी समझ हम अपने अंदर रखें कि मुझे ऐसा बनना है। जब हमें समझ ही नहीं होगी तो हम कभी यत्न नहीं करेंगे, कभी भगवान से प्रार्थना नहीं करेंगे, कभी भक्तों के चरणों में झुकेंगे नहीं, अपराधी बने रहेंगे और दुर्दैव का कभी नाश नहीं कर पाएंगे। इसलिए लक्षणों को हमें अपने जीवन में लाना है, इसलिए इनको समझना बहुत अच्छी तरह से बहुत आवश्यक है, और समझने के हेतु ही एक क्लास थोड़ी सी लंबी चलती चली जा रही है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। आप सभी से निवेदन है, आप ऑलरेडी गंभीर है, आप लोगों के माध्यम से मैं भी गंभीर बनूं और अपना जीवन सफल करूं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धैर्य पूर्वक श्रवण करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। अगर किसी बच्चे को प्रश्न है प्लीज तो आप हाथ खड़ा कर सकते हैं। No question. No answer. I think thank you very much to all the devotees. Hare Krishna, dhanyavad, dhanyavad sabhi bhaktaan ko. हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।